की कोतवाली टांडा के कस्बा दड़ियाल में 3 दिन पूर्व एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हत्या और आत्महत्या में उलझ गई। युवक की मौत बहनों ने भाई की हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। पत्नी और साले पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए कराए जाने की मांग की है। पत्नी ससुरालियों पर जेवरात, रुपए और संपत्ति के लालच में हत्या करने का आरोप लगाया है और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर उत्तेजित भीड़ ने हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने समय रहते भीड़ को खदेड़ दिया। हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर हंगामे की सूचना पाकर कोतवाल टांडा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। नगर के मोहल्ला बाग निवासी मोहम्मद ईशा की 3 दिन पूर्व मौत हो गई थी। मोहल्ले की रहने वाली बहन शहनाज परवीन, पत्नी मोहम्मद मुस्तफा ने पुलिस को तहरीर देकर भाई की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। क्या उनको मारा है हमारे भाई को? हमारा लड़का, हम जो है सोए हुए थे, हमारा लड़का है बड़ा वाला, क्या अम्मी जल्दी आओ, वो हमारे भाई को फांसी दे गई है। तो हमारा लड़का गया तो उन्होंने जाके ना खिड़की हल्की से खोली तो वो हमारा भाई लटका हुआ था। अब वो जो देख कर डर के मारे घबरा गया, हमारा लड़का बड़ा वाला। तो अब मैं भागी गई तो मैंने जो देखा तो स्टूल ही वहीं पे रखा बेड के ऊपर, उस पर कपड़ा पड़ा हुआ है लकड़ा, उस पर पंखे के ऊपर। और जब वो पंखा खोला मतलब तो कपड़ा खोला तो पंखा चल गया। लेकिन मौत इस वजह से हुई है, जो मतलब एक बड़े भाई हैं उनको जो है इन्होंने बड़ी भाभी ने करना कराने में बिल्कुल वो कर दिया पागल, उनका रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। अब रहे छोटे भाई, वो घर के थोड़े जिम्मेदार थे, घर को पूरा लेकर चल रहे थे, पर सारा प्रॉपर्टी हमारे भाई छोटे भाई पे थी। तो मतलब ये कहती थी इस बात को कि तुझे एक ना एक दिन ख़त्म कराना है मुझे जी, और तेरे पास ज़्यादा जायदाद है। एक दुकान पहले ले चुकी है हमारा जो मतलब दिमाग से हुआ है बड़ा भाई, बिचले वाला उनकी दुकान पहले ले चुकी है इन्होंने। अब ये दौलत के चक्कर में ख़त्म किया गया इन्हें। हाँ, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। इनका घर जो है पिछले उधर है पड़ाव का मोहल्ला में, तो वहाँ से आकर के इन्होंने यहाँ आकर डेरा डाल दिया था। बहनों से ये कहती थी कि तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ, तुम निकलो यहाँ से। कल भी यही कह रही थी कि धक्का देकर निकालूंगी तुम्हें। हमें कुछ पता नहीं था, हम सो रहे थे। लगभग 1:55 का टाइम था, हमारा जो है साला आया मूसा, बोला कि वो किवाड़ नहीं खोल लिया, किवाड़ बंद कर रखी है, क्या बात है, चलो तो जरा। मैंने बात बता, बात क्या है? तो हमारा बेटा खड़ा था सजाद, हमारा लड़का खड़ा था सजाद। मैंने देखा भैया क्या बात है, क्यों ना खोल लिया किवाड़े। जब ये गया तो इन विंडो के चार खाने हैं। एक खाने पे जब हाथ मारा उसने तो वो खुल गया खाना। तो उसने ये देखा पंखे में एक बट्टा लिपटा हुआ था ऊपर, और गले में पड़ा हुआ था, स्टूल पर ऐसे ही खड़ा था। और जहाँ जो बिंडू के बराबर में फ्रीज रहता है 4 साल से, वो फ्रीज भी नहीं था उस दिन। फिर जब ये एकदम 1 सेकंड के अंदर जब वापस से आया तो बोला कि अबू ऐसे ऐसे बात है। तो फिर हम एकदम गए, तो पहले मेरे साथ वो मली गया। हमने देखा जब हम गए हैं 2-3 मिनट लगे हैं वैसे हमें, तो उनकी गोद में वो लेटा पड़ा था, हमारी ताई की और उनकी पत्नी के मेहताब के गोदी में लेटा पड़ा था वो। मैंने यार इतनी जल्दी कैसे उतार लिया। फिर उसके बाद में हंगामा मतलब चीख पुकार रोने लगे, तो और मोहल्ले के इकट्ठा होकर फिर बस्ती आ गई। और उसके हमने जब देखा तो उसके सर पे चोट थी, खून निकल लिया। फिर देखा तो पाँवों में यहाँ चोट थी, यहाँ पसलियों पे हाथ लगा हुआ काला हो रहा था। अब अल्लाह का बेहतर जाने टूट गई या रह गई, ये कुछ पता नहीं।